हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? यस मैम। ओके, तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ऑलमोस्ट सारे नोट्स कर लिए थे उसके। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कर लिए थे, लाइक कीवर्ड्स भी कर लिए थे, सब कुछ कर लिया था। अब आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है हमें, जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है। एक मैं ऑलरेडी किया हुआ है, देखो। द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। पढ़ के आए हैं नोट्स में, बार बार पढ़ा है कि क्रॉप क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ऑफ द सोइल। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप? क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। तो क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द ऑन टॉप ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? फ्लोट। क्या करते हैं? जो डैमेज सीड्स होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं वाटर के ऊपर। तो क्या करते हैं जी? फ्लोट। ओके, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट। ये टी है। सफिशियंट सनलाइट एंड वुड फ्रॉम द सोइल एंड सोइल आर एसेंशियल। देखो यह हुआ है इसमें न्यूट्रिशंस और वाटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, चलो अब आगे आते हैं। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी। ए को बी से क्या करना है? मैच करना है। खरीफ क्रॉप क्या होता है भाई? ढूंढते हैं। क्या होता है? वीट, ग्राम और पी। क्या होता है? पी। ये रबी क्रॉप्स होती है। ठीक है, पैडी एंड मेज क्या हो जाएगा? खरीफ क्रॉप। क्या हो जाएगा? खरीफ क्रॉप। कहते हैं ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, रबी क्रॉप क्या? रबी क्रॉप क्या होती है? वीट, ग्राम, पी। ठीक है, तो ये हिस्से हो जाएगा मैच, ये सेकंड वाला है। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स नाम से पता चल रहा है, यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, इस तरह से। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? एनिमल एक्स्ट्रा एक्सर्टा काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ये है फूड फॉर कैटल, ये नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब हमें इनके क्या करना है? एग्जांपल्स देने हैं। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, इनके दो दो एग्जांपल्स देने हैं। खरीफ क्रॉप अभी पढ़ के आए हैं, पैटी और मेज। रबी क्रॉप पढ़ के आए हैं, वीट एंड पीज। क्वेश्चन नंबर 4, राइट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो मैंने गाया हुआ है तुम लोगों को, और अब ये कह रहे हैं कि उन पे पैराग्राफ लिखो। मैंने तुम्हें करवाया हुआ है नोट्स में, नोट्स में मैंने सबको कराया हुआ है। ठीक है, नोट्स में भी उनको अच्छे से समझाया हुआ है, तुझे कीवर्ड्स में भी करवाया हुआ है, और अब एक बार और देख लो, फिर लिख सकते हो आराम से। ध्यान से देखना थोड़ा सा। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप होता है ये, जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज डन टू लूजन द सोइल सच इज एसेंशियल फॉर द रूट। जब जो रूट्स होती है उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? कि हमारी जो सोइल है वो थोड़ी वो क्या हो? लूज हो, जिसको हम प्लस से लूज करते हैं, लूजिंग ऑफ सोइल, ताकि जो जो रूट्स है वो आसानी से उसमें सांस ले सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोइल अलाउज ग्रोथ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि अर्थवर्म्स आते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं सोइल की, तो क्या करते हैं कि उसमें हम
डिगिंग वगैरह करते हैं तो उसमें अर्थवर्म्स आते हैं जो कि अच्छे होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए। वो क्या करते हैं, जो अच्छी जो फर्टिलिटी जो न्यूट्रिशंस होते हैं सोइल के अंदर उसको ऊपर ले आते हैं, ऊपर की लेयर पे लेके आ जाते हैं। तो क्या होते हैं, सोइल लूज हो जाती है ताकि रूट्स ग्रो कर सके, क्योंकि स्पेस क्रिएट होता है तो रूट्स इजीली ब्रेथ कर सकती हैं। अर्थवर्म्स और ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सोइल को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं और जो उनका वेस्ट होता है उससे, ठीक है। और क्या होता है, ह्यूमस का काम करते हैं और ह्यूमस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, अपने आप अच्छी फर्टाइल होती है, जो सोइल होती है फर्टाइल अच्छे से होती है। फर्टाइल मीन्स उपज, ठीक है, अच्छे से फर्टाइल होती है, मतलब ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसके बिना हम फसल को उगा नहीं सकते, क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है इसका स्टेप, क्या करते हैं उसके बाद, सोइंग करते हैं। सोइंग कैसे करते हैं, इट इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सीड्स ही नहीं डालेंगे तो क्रॉप कैसे उगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोइंग। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें हेल्दी सीड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। हेल्दी सीड्स वो होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करते, वाटर के अंदर वो सिंक कर जाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, हेल्दी सीड्स कहते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग हेल्दी सीड्स, सोइंग इज डन बाय द ट्रेडिशनल मेथड और बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स। देखो सीड ड्रिल मशीन के बारे में हमने बात की थी। सीड ड्रिल से क्या होता है कि मतलब इक्वल सीड्स चलते हैं और वो कवर भी होते रहते हैं साथ साथ में, ठीक है। और एक होता है ट्रेडिशनल, जैसे जो एक कौन टाइप का होता है उससे वो डालते थे, तो मैंने लास्ट टाइप बताया था। तो दो तरह से हम डाल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से और मॉडर्न मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न मेथड कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और यूजिंग इक्विपमेंट यानी कि मशीन को यूज करते, जिसका नाम क्या होता है, सीड ड्रिल होता है। क्या नाम होता है, सीड ड्रिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग सबसे पहले देख लेते हैं कि वीडिंग क्या होता है। वीडिंग होता है जो हमने प्लांट्स ने नहीं लगाए, हमने उसका सीड सो नहीं किया है, उसको क्या कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स वो भी बोल सकते हैं उनको। रिमूविंग अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज वीडिंग, जो हमें नहीं चाहिए, जो बेकार के पौधे होते हैं उनको बाहर निकालने को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीड्स कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, वाटर, लाइट, स्पेस, इन सब के लिए भी क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं वीड्स हमारे क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ में, ठीक है। दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ द डिजायर्ड क्रॉप, जो क्रॉप होती है क्या करती है, उसकी उपज में भी मतलब कमी आ जाती है। वीड्स ऑल्सो इंटरफेयर व्हाइल हार्वेस्टिंग के टाइम पे ग्रोथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड गेट्स मिक्स विद द क्रॉप, और जो क्रॉप के जो ग्रेन्स होते हैं उनमें मिक्सअप हो जाते हैं। सम वीड्स आर पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए या फिर हमारे जो काऊ वगैरह होती है उनके लिए, बफेलोज के लिए हानिकारक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है। वीडिसाइड क्या होता है, दिस इज द केमिकल जो वीड्स को खत्म करता है लेकिन क्रॉप को कोई नुकसान उससे नहीं होता। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड टू गेट ऑफ वीड्स को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं। बट दिस मेथड में अफेक्ट क्या कर सकता है, ये जो छिड़काव कर रहा है उस मेडिसिन का, जो केमिकल का छिड़काव खेत के अंदर कर रहा है, उस इंसान को अफेक्ट कर सकता है हेल्थ ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं जो उसका छिड़काव कर रहे हैं, जो स्प्रे कर रहे हैं उस मेडिसिन का, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ केमिकल यूज, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, देखो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शेफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग, जहाँ हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं फील्ड में से, खेत में से जब कट करते हैं तो उसके साथ में कुछ भूसी वगैरह भी होती है, ठीक है। जो कूड़ा कचरा होता है, जो प्लांट्स है, जो उनकी लीव्स वगैरह होती है, तो क्या होती है वो, उसको हम शेफ बोलते हैं, ठीक है, शेफ। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शेफ फ्रॉम क्रॉप इज नोन एज
थ्रेशिंग. जब हम ग्रेन्स को अलग करते हैं शेप से तो क्या कहते हैं उसको? थ्रेशिंग. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं. थ्रेशिंग इज कैरीड बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन. जिस मशीन से थ्रेशिंग की जाती है उस मशीन का नाम क्या होता है? कंबाइन. और उसको हार्वेस्टर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हार्वेस्टर भी कहते हैं. विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल थ्रेशर. थ्रेशर भी होती है वह मशीन और हार्वेस्टर भी. दो तरह से वो काम कर सकती है. और एक और मेथड होता है ट्रेडिशनल थ्रेशिंग इज आल्सो डन बाय विनोविंग. विनोविंग मतलब कोई यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे किसी मतलब कोई बर्तन लेके इस तरह से इसमें गेंस भर रखी हुई है. ठीक है, गेंस भी है और शेफ भी कंबाइन है दोनों. तो क्या करते हैं? जो गेंस होता है वो यहाँ पे गिरता रहता है. ठीक है, और इधर से क्या चल रही है? एयर चल रही है. क्या हो रहा है? एयर चल रही है. तो क्या करते हैं कि यहाँ पे गेंस गिर रहा होता है और जो एयर के थ्रू जो शेफ होता है वो दूर जाके गिर रहा होता है इस तरह से. ठीक है, तो क्या होता है? गेंस जो होती है वो शेफ से अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विनोविंग. क्योंकि ये काम कैसे होता है? बाय विंड. ठीक है, बाय विंड होता है सेपरेट शाफ्ट क्रॉप से. तो क्या कहते हैं उसको? विनोइंग कहते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. मैंने ये क्वेश्चन कई बार कराया है, कई बार रिपीटेशन में लेके आए हैं. हमने इसको नोट्स में भी किया था. ठीक है, तो वहां से कर लेना इसको नोट्स में से. ठीक है, नोट्स में ये किया हुआ है हमने स्टार्टिंग में. ठीक है, समझ में आया? चलो बाकी क्वेश्चन कल करते हैं.